आप लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विद मिस्टर राहुल कुमार। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक बातें, आज हम लोग जानेंगे कि IPSC नाम के लेक्चर करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का किन किन बिंदुओं का जानना जरूरी है। तो आइए उस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए, किसी बच्चे को अगर किसी का नाम लिखना सिखाया जाता है तो उसे बताया जाता है कि बच्चा देखो ABCD सीखो। वैसे ही IPSC नाम के लेक्चर करने के लिए जिन भी बेसिक बातों को जानना जरूरी है वो आज आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। तो देखते रहिए। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, आप लोग को बताया गया कि कार्बनिक यौगिक होता क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिक दो भागों में बटा होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। आप लोग को बताया गया पिछले लेक्चर में श्रृंखलन का गुण, यह श्रृंखला बनाता है। तो या तो कार्बनिक यौगिक सीधे चेन में होगा, अगर चेन में होगा तो खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, या तो चेन बंद होगा तो फिर बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। इस आधार पर कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया। तो पहला बना खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक और जो दूसरा होगा आपका बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक होता क्या है, इसे जानने से पहले देखेंगे दो भागों में बटा हुआ है, संतृप्त असंतृप्त। फिर जो ये संतृप्त है इसका एक पार्ट होता है एल्केन, असंतृप्त है ये क्या होता है एल्कीन एल्काइन। हम एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। पहले आप इस चार्ट को समझ लीजिए, ये होता है बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, ये दो भागों में बटा हुआ है, समचक्रीय बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, विषम चक्रीय बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। ये जो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक है ये फिर दो भागों में बटा हुआ है, एरिसाइक्लिक एरोमेटिक। ये जो आपका एरोमेटिक है फिर ये दो भागों में बटा होता है, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना नहीं है क्योंकि एरोमेटिक एक फुल चैप्टर है, उस चैप्टर ग्रुप में आपको एक लेक्चर में बताया जाएगा। आप आज हम लोग को जो चर्चा करना है वो करना है खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के बारे में, केवल क्योंकि IPSC नाम के लेक्चर में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण बिंदु होता है तो खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक से होता है। बट आपको बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक भी बताया जाएगा, एक एक बिंदु चर्चा किया जाएगा, बस आप देखते रहिए। जो भी चाहे चार्ट का स्क्रीन शॉट ले सकता है। आइए देखते हैं कि खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ये जो खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक होता है यह कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है, उसी का एक पार्ट है खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है, कहीं से भी वो बंद ना हो, तो उसे क्या कहते हैं खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कार्बन परमाणुओं की एक कार्बन रहा आपका, एक कार्बन रहा, एक कार्बन रहा, देखिए खुली श्रृंखला है, ये दोनों आके एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हुआ है, जैसे क्या कहेंगे खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। फिर कार्बन की संयोजकता आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कितना होता है, चार, इसकी चार बांड हाइड्रोजन से पूर्ण हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हर एक कार्बन की संयोजकता चार पूर्ण हो चुकी है, यही है आपका खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप C3, क्योंकि यहाँ तीन कार्बन उपस्थित हुए C3, फिर H काउंट कर लीजिए 3, 2, 5, 5, 3, 8, यहाँ 8 हाइड्रोजन उपस्थित है, यही आपका खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। अगर इसका नाम क्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अभी आपको आगे ये बताया जाएगा कि इसका नाम क्लेचर हम कैसे लिख दिए प्रोपेन। अब आप आगे देखते हैं बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। ये जो बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक है ये खुली श्रृंखला कार्बनिक हो गया, तो दूसरा क्या हुआ बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। ये क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है उसे बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बंद श्रृंखला यानी कार्बन कार्बन, देखिए ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, तो आप देख सकते हैं C, 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 आप देख सकते हैं यह एक श्रृंखला के रूप में है, बस यहाँ आप कार्बन की संयोजकता पूर्ण कर दीजिए। कार्बन की संयोजकता कितना होता है, चार, आपने रट जाना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितना होता है, चार। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ चार कार्बन उपस्थित हुए, यहाँ हो गया C4, आप देख लीजिए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यहाँ 8 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, यानी C4H8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा आपका, होगा आपका साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यह साइकिल है एक प्रकार का, फिर साइक्लोब्यूटेन। ये भी आपको IPSC नाम के लेक्चर में बताया जाएगा कि हम साइक्लोब्यूटेन लिख कैसे दिए, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक जो चार्ट बनाया था उसमें लिखे थे दो प्रकार का होता है, पहला क्या था संतृप्त
संतृप्त जानने से पहले हम लोग को जानना है वो पहला एक हेडिंग है जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रो कार्बन या क्या होता है, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कैसे मिलकर बने होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन नाम में ही छुपा हुआ है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं आप CH4, C2H6, C3H8, ये किससे मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा आपका मीथेन, इसका नाम होगा आपका एथेन, इसका नाम होगा आपका प्रोपेन। देखिए बस इसी हेडिंग के पार्ट में पढ़ते हैं क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इससे जुड़ जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, केवल एकल बंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर इसका आप संयोजकता जानते हैं, कार्बन की क्षार होती है, इसे पूर्ण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखते रहिए CHH, काउंट कीजिए कितने कार्बन है यहाँ, तो C3H आपका हो जाएगा आपका 8, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन। संतृप्त, इसे संतृप्त कहा क्यों जाता है, देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो यह टूट के कोई और यौगिक नहीं बना सकता है, इसलिए संतुष्ट है अपने बांड से, संतुष्ट है क्योंकि सिंगल बांड है, ये जल्दी मतलब टूट नहीं सकता है, इसलिए कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे जो खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक का जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं असंतृप्त, यह संतुष्ट नहीं है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये जो होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विक बंध या त्रिक बंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अगर यह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो यह टूट सकता है, टूट के कोई और यौगिक बना लेगा, यानी यह संतुष्ट नहीं है, इसीलिए कहते हैं इसे असंतृप्त, यानी यह संतुष्ट नहीं है, इसे कहते हैं इसे असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन। यहाँ देख सकते हैं इस कार्बन की दो संयोजकताएं खाली थी जो हाइड्रोजन से पूर्ण हो चुकी हैं, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने कार्बन है यहाँ C2H, कितने हैं H4, क्या हो गया C2H4, इसे आप लिख सकते हैं IPSC नाम क्लेचर में एथीन, ये आपको आगे बताया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा आपको इस लेक्चर में, इसकी बेसिक बातें बताई जा रही हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विक बंध या त्रिक बंध, कार्बन कार्बन त्रिक बंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। त्रिक बंध देख सकते हैं, अभी इस कार्बन की एक संयोजकता खाली है, फिर इस कार्बन की भी एक संयोजकता खाली है, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच जो द्विक बंध है तो यह टूट के कोई और यौगिक भी बना सकता है, यानी यह संतुष्ट नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका नाम हो जाएगा आपका एथाइन। देखिए ऐसे यहाँ आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जांपल देख लीजिए आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, आप देख सकते हैं इसको लिखिए तो यहाँ कार्बन की तीन संयोजकताएं अनपूर्ण थी, यानी पूर्ण नहीं हुई थी, यहाँ कार्बन की दो संयोजकताएं पूर्ण खाली हैं, फिर यहाँ देख सकते हैं कार्बन की एक संयोजकताएं खाली हैं, इसे हाइड्रोजन से पूर्ण कर दीजिए, आप काउंट कीजिए हर एक कार्बन के 40 संयोजकताएं पूरे हो चुकी हैं, यहाँ कितने हाइड्रोजन कार्बन उपस्थित है, 3, हाइड्रोजन कितने उपस्थित है, तो 2, 3, 2, 5, 1, 6, आप इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपीन, प्रोपीन, यही आपको IPSC नाम के लेक्चर में बताया जाएगा। अब आप देख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम चार्ट में आपको बताए थे कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके एक रूप होते हैं जिसे क्या कहते हैं हम लोग,
एल्केन क्या कहते हैं, हम आपसे बताए थे कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके एक रूप होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। अब देखिए एल्केन होता क्या है, एल्केन के बारे में हमें तीन बातें जाननी है, अगर ये हम तीन बात हमेशा के लिए याद रखें तो आईबीएससी नाम के लेक्चर में 1% का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जानना है एल्केन, एल्केन के बारे में तीन बातें क्या है, पहला तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उसी का बच्चा है, इसे क्या कहेंगे, यह एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर दूसरा पॉइंट इसका जो आता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। फिर जो तीसरा पॉइंट, ये हमेशा याद रहना चाहिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका CnH2n+2, जहां n बराबर है आपका कार्बन की संख्या। याद रखिए क्या होता है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या है आपका n बराबर। आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं कि यह फार्मूला सेटिस्फाई कैसे करता है सिंगल बॉन्ड को। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ आप ही देखिए एग्जांपल नंबर 1 n=1 रखिए, फार्मूला में देखिए क्या आएगा आपका, n=1 C1H2 × 1+2, कितना आएगा आपका, C1 को लिखा नहीं जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा C1H2 × 2+2, यानी कितना हो जाएगा आपका टोटल 4, हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा आपका। आप वैसे इसको लिख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप कि कार्बन की सभी संरचनाएं पूरे हैं, इस फार्मूला से आया हुआ है एक कार्बन और चार हाइड्रोजन जो कि इस कार्बन की संरचनाओं को पूर्ण कर रहा है। आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल n=2 पे रखिए, इस फार्मूले में क्या होगा आपका, C2H2 × 2+2, कितना आएगा आपका, C2H2 × 4+2 6। आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चल रहा है, क्योंकि यहाँ हम एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यही इस फार्मूला के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है, क्या सिंगल बॉन्ड पे इतने हाइड्रोजन जो आ रहे हैं, क्या है कार्बन की संरचनाएं को पूर्ण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग को 6 हाइड्रोजन मिला हुआ है 2 कार्बन के, जो कि आप देखिए अब हर एक कार्बन की संरचनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसका नाम होगा आपका मेथेन, यही आप आईबीएससी नाम के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा, अभी अगले लेक्चर में देखते रहिए बस आप। इसका नाम होगा आप एथेन। एक और तीसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, n=3 पे तो क्या बनेगा, इस फार्मूला में रख के आप बताइए, तो बनेगा आपका C3H2n2+2, कितना आएगा टोटल आपका, C3H3+2+8। आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, हाइड्रोजन से पूर्ण कर दीजिए, देखिए क्या इस फार्मूला से जितना हाइड्रोजन मिला था हमको वो क्या परिपूर्ण कर रहा है इसमें सिंगल बॉन्ड में। आप देख सकते हैं 3 कार्बन मिला हुआ था n=2 पे, तो 3 कार्बन रख दीजिए, इसके बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ हमको 8 हाइड्रोजन मिला हुआ है इस फार्मूला से। तो आप देखिए जो एल्केन का हम लोग तीसरा एग्जाम्पल पढ़ रहे थे n=3 पे, तो यहाँ हम फार्मूला में रखे तो C3H10 आया, जो कि हम स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं हर एक कार्बन की 4 संरचनाएं पूर्ण हो चुकी है इस फार्मूला से, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच। यानी एल्केन में जो बात कही गई है दूसरा पॉइंट कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और दूसरा स्टार जो बना के हम लिखवाए थे कि CnH2n+2 इसका फार्मूला होता है, यह परिपूर्ण हो रहा है, क्योंकि हम n=1 रखे देखे, हम n=2 रखे देखे, n=3 पे भी कार्बन कार्बन सिंगल के बिंड बांड के बीच यह फार्मूला जितना हाइड्रोजन हम लोग को दे रहा है उससे इस कार्बन की सभी संयोजकताएं पूर्ण हो जा रही है। इसका नाम क्या होगा आपका, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बांड है और सिंगल बांड के एन के आगे आप देख सकते हैं क्या लगा है, एन, तो वही हम लोग यहाँ एन लगा देंगे बस।
आईपीएससी नाम के लेक्चर में अगर तीन कार्बन आता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोट। यही आपको बताया जाएगा बस आईपीएससी नाम के लेक्चर में। बस आप जानते रहिए कि जहां अगर सिंगल बॉन्ड आता है वहां एन का बात किया जाता है, जहां डबल बॉन्ड आएगा तो आप देख सकते हैं जो दूसरा हेडिंग हम लोग पढ़े थे खुली श्रृंखला कार्बन के युग्म में वो क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहां देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो दो दो पार्ट हुए थे इसका, वो पहला क्या था आपका एल्कीन, एल्कीन पढ़ना है हम लोगों को एल्कीन। तो देख सकते हैं इसका पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो दूसरा पॉइंट है क्या है, कार्बन कार्बन के बीच इसमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। जो तीसरा पॉइंट जो कि हम लोग एल्कीन में भी पढ़े थे वो क्या था, इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला होता है CH2N। यह आप हमेशा याद रखिए क्योंकि आप इसी फार्मूले से पता लगा सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। क्योंकि मान के चलिए हम यहाँ आपको दे दें C2H4, इसके बाद इसके बीच तो बॉन्ड बांध बना के दिखाया नहीं गया है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके बीच डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? तो आप इस फार्मूला में इस हाइड्रोजन को, इस नंबर को, आप जो कार्बन की नंबर है क्योंकि यहाँ इक्वल टू 2 रखा हुआ है, इस फार्मूले में रख के देखिए, जिस फार्मूले में सेटिस्फाई कर जाए वही बॉन्ड इसके बीच है। तो बस इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना हमेशा जरूरी है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एल्कीन का। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एन इक्वल टू 1 पे, तो आप देख सकते हैं एन इक्वल टू 1 तो यहाँ का आएगा फार्मूला रखेंगे तो C1H2 × 2 1, तो क्या आएगा आपका CH2। आप देख सकते हैं CH2, जबकि जो एल्कीन है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। जब यहाँ एक ही कार्बन आ रहा है, एक ही कार्बन यानी इक्वल टू 2 पे एक ही कार्बन, तो किसके बीच डबल बॉन्ड बनाएगा, पहला नियम यही फेल कर जा रहा है। और यहाँ असंतृप्त रह ही नहीं जाएगा जब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। यहाँ कार्बन की संख्या 4 होती है जबकि यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, इसके लिए गलत माना जाता है कि n बराबर 1 के लिए एल्कीन संभव नहीं है। आप देखते हैं फिर देखा जाएगा कि दूसरा एग्जाम्पल n इक्वल टू 2 के लिए आप इस फार्मूला में रख के देखिए तो C2H2 × 2 कितना आएगा, C2H4। यहाँ 2 कार्बन आ चुका है तो हम लोग क्या जानते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, यहाँ 4 हाइड्रोजन मिला हुआ है, आप देख रहे हैं इस कार्बन की 2 संयोजकताएं और इस कार्बन की 2 संयोजकताएं खाली हैं जो कि हाइड्रोजन से पूर्ण हो गए। आप देख सकते हैं इस कार्बन की 4 संयोजकताएं और इस कार्बन की 4 संयोजकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसका नाम क्या होगा आपका, एथीन। क्योंकि कार्बनिक युग्म में अगर जहाँ 2 कार्बन उपस्थित हो उसे एथ कहते हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन, ये देख सकती हैं एल्कीन, तो यही इन था कि यहाँ लग जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है और सिंगल बॉन्ड के लिए अभी हम आपको बताएं क्या लगता है, एन। तो यहाँ डबल बॉन्ड इन हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपीन। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एल्कीन का जो अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम तो वह होगा आपका एन इक्वल टू 3 के लिए। आप देख सकते हैं अगर इस फार्मूले पर रखा जाए, फार्मूला क्या था आपका CnH2n, इस फार्मूला पर रखिए एन इक्वल टू 3 तो क्या होगा C3H2 × 3 एन इक्वल टू आ क्या जाएगा आपका C3H6। इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए, यानी एल्कीन में हम लोग जानते हैं क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्केन में जाके यहाँ ए लगा हो तो उसमें हो जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अभी ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा तो आपको बताया जाएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस फार्मूला पे अगर आप डबल बॉन्ड का निकालें, कितना भी हाइड्रोजन का निकालें, बस एक जगह डबल बॉन्ड लगा दें, फार्मूला पूरा सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देख सकते हैं इस कार्बन की 2 संयोजकताएं खाली हैं और इस कार्बन की 3 संयोजकताएं खाली हैं, इस कार्बन की 1 संयोजकताएं खाली हैं। आप हाइड्रोजन रख दीजिए फिर देखिए इस फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा हम लोग को 6 हाइड्रोजन मिला हुआ था जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 कार्बन 3 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन परिपूर्ण हो जा रहे हैं डबल बॉन्ड के बीच।
आप देख सकती हैं, लेकिन फिर आप चाहे तो n इक्वल टू 4 के लिए देख सकती हैं, n इक्वल टू 4, आइए n इक्वल टू 4 पे देखते हैं। इस फार्मूला में रखिए n इक्वल टू 4, तो क्या होगा C4H2 into 4, आपका आ क्या जाएगा C4H8। इसका स्ट्रक्चर बनाए कैसे बनेगा आप देखिए, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C। आप देख सकते हैं इस कार्बन की 3 संरचनाएं है, खाली हैं, फिर इसकी 2 संरचनाएं है, खाली हैं, फिर इसकी 1 खाली है, फिर इसका 2। आप हाइड्रोजन रख दीजिए, देखिए इस फार्मूला के द्वारा हमको कितना हाइड्रोजन मिला हुआ है, क्या 4 कार्बन पे हाइड्रोजन फुल हो जा रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसके द्वारा 8 हाइड्रोजन मिला हम लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि 8 हाइड्रोजन इस फार्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जो तीसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था आपका एल्काइन, क्या था एल्काइन। इसमें भी 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखना जरूरी है। जो पहला है आपका वो क्या है, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है असंतृप्त, क्योंकि उसी का शाखा है। और जो दूसरा पॉइंट है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। आप देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट है उसका जनरल फार्मूला, जो कि एल्केन में भी पढ़े आप, एल्कीन में भी पढ़े, अब एल्काइन में भी पढ़ना है, वो आपका जनरल फार्मूला क्या है CnH2n-2। एल्केन में क्या था +2, एल्कीन में क्या था CnH2n, फिर आप देख सकती हैं एल्काइन में जो है आपका -2। अब हम एग्जांपल देखेंगे, यह भी n इक्वल टू 1 के लिए गलत है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता है, क्योंकि आप n इक्वल टू 1 लेंगे तो फिर 2 कार्बन आपके पास उपस्थित रहेगा ना, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा किसके बीच। तो आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए गलत है। फिर जो दूसरा एग्जाम्पल होगा आपका n इक्वल टू 2 के लिए, रखिए इस फार्मूले में देखिए C2, फार्मूला में क्या है C2H2 into 2 -2, कितना हो जाएगा आपका C2H2 into 2 -2, यानी 2। अब बनाइए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, आप देख सकते हैं इस कार्बन की 3 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं, 1 संरचनाएं खाली हैं, फिर इस कार्बन की भी 3 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं, 1 संरचना खाली है, तो कितना हो गया आपका, देख सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा जो हमको n इक्वल टू 2 पे जो फार्मूला मिला, उस फार्मूला पे स्ट्रक्चर सेटिस्फाई है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 2 कार्बन आता है तो उसे क्या कहते हैं एथ, हम लोग पढ़ रहे हैं आइन, क्या पढ़ रहे हैं एल्काइन, यहाँ वाई यानी ई लिख देंगे। आप देख सकते हैं जो तीनों हम आपको बताएं, यहाँ एल्केन भी लिख देते हैं एल्केन, बस इसमें अंतर क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए लगा है, डबल बॉन्ड है तो ई लगा है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई लगा है, और कोई अंतर नहीं है। एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, यानी इसमें भी है, यानी इसमें भी है, यानी इसमें भी है, बस अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या है ए, डबल बॉन्ड है तो क्या है ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है वाई। आगे देखते हैं एल्काइन में n इक्वल टू 3 पे C3, अगर n इक्वल टू 3 पे अगर इस फार्मूले में जो एल्काइन का फार्मूला होता है वो हम रखेंगे, क्या एल्काइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2, इस फार्मूला में n इक्वल टू 3 रखेंगे तो आएगा C3H4। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। आइए n इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं, इस फार्मूला में रखिए n इक्वल टू 4 तो क्या आएगा C4H2 into 4-2, आ कितना जाएगा आपका C4H2 4-2, यानी 6। इसका स्ट्रक्चर बनाइए कैसे बनेगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन उपस्थित है, कितना हाइड्रोजन मिला हुआ है हम लोग को 6 इस फार्मूला के अनुसार। आइए सेटिस्फाई कराते हैं, तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, इस 4 कार्बन में 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता थी चारों कार्बन को अपनी संरचना पूरे करने के लिए, क्योंकि इस फार्मूला के द्वारा हम लोग को कितना हाइड्रोजन मिला था 6 हम इस फार्मूले में सेटिस्फाई करा दिए।
अब हम अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग जब पढ़े थे कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, उसमें कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण दो भागों में हुआ था, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक में क्या क्या होता है, हम बताए थे आपको बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। तो फिर जो बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक है वो दो भागों में बटा हुआ था, जो चार्ट बनाया गया था, पहला क्या था समचक्रीय, दूसरा क्या था विषमचक्रीय। आइए देखते हैं समचक्रीय क्या होता है। सम मतलब क्या होता है, समान, चक्रीय यौगिक। तो यह किसका पार्ट था, बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। तो इसको आप पढ़ेंगे समचक्रीय, चक्रीय मतलब क्या होता है, बंद ही होता है, एक चक्र होता है, वही समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। इसका परिभाषा क्या होता है, तो ऐसे बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक जिनके श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु उपस्थित हो, क्या कार्बन, क्योंकि समान सम क्या कह रहा है, समान, समान परमाणु उपस्थित हो, यानी केवल कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो क्या कहेंगे, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ का सी 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 सी, आप देख सकते हैं कि इस कार्बन की दो संरचना है, खाली है, फिर तब इसका चार गुणे होगा, फिर इसका भी दो खाली है, 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 इसका भी दो खाली है। देखिए हाइड्रोजन से गुणे कर दीजिए इसको, आप देख सकते हैं क्या होना है, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, समान, क्योंकि इसमें केवल समान प्रकार के परमाणु, केवल हाइड्रोजन उपस्थित है, केवल कार्बन उपस्थित है, समान प्रकार के परमाणु, केवल कार्बन उपस्थित है, इसलिए क्या हुआ, समचक्रीय। आज इसका जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, विषम चक्रीय। यहाँ एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, ऐसे अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई दे, इसके मतलब हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसको बंद कर दीजिए, इसके पास कितना हाइड्रोजन चाहिए इसको, H H H H H H H H, ये भी क्या है, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा कोई और अन्य परमाणु उपस्थित नहीं है, इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया जाता है इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कार्बन की सजगता है पूर्ण करने के लिए। अब हम जो पढ़ाए थे तत्वों की उपस्थिति, उसमें बताए थे जो पहला लेक्चर था उसमें बताया गया था कार्बनिक यौगिक का वर्ग, कार्बनिक यौगिक का लक्षण, तो उसमें बताया गया था तत्वों की उपस्थिति कि कौन कौन तत्व कब कब उपस्थित होता है, उसी में बताया गया था कि हाइड्रोजन के बारे में। अब इसे ध्यान से देखते हैं, ये दोनों, इसका हाइड्रोजन अलग है, इसका हाइड्रोजन अलग है। अब चलते हैं हम जो दूसरा हेडिंग था विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के पार्ट में, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो ऐसे बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक जिनके श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणु, जैसे जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर तत्व भी उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम चक्रीय कार्बनिक। क्या क्या उपस्थित होते हैं कार्बन के अतिरिक्त, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इत्यादि। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त नाइट्रोजन उपस्थित है, इसे क्या कहते हैं, पिरिडीन। यह आपका पांच कार्बन और एक नाइट्रोजन, कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन परमाणु भी उपस्थित है इसमें, देख सकते हैं आप कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी उपस्थित है, इसे क्या कहेंगे, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। आप और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ यह होता है, सॉरी यहाँ तो बना चुके हैं एस, इसका आप पूरा पूरे कर दीजिए हाइड्रोजन से, इसको मतलब काउंट नहीं किया जाता क्योंकि आप हाइड्रोजन से यहाँ भी पूरे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीन बॉन्ड से कार्बन का पूर्ण रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, इसे कहते हैं एस है यहाँ, इसे क्या कहते हैं आप, थायोफीन, थायोफीन।
आप एक बात याद रखिएगा कि जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यश दिखाई देगा उसके आसपास थायो शब्द जरूर आता है। जैसे हम यहाँ लिखे क्या, थायो फीन, जहां भी यश आएगा वहां अक्सर अक्सर स्थानों पर थायो शब्द का प्रयोग किया जाता है एस के लिए। आइए देखते हैं कार्बनिक यौगिक के नामकरण में जो हम लोग को असल में जो जानना था वो ये है कि एक कार्बन को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, दो कार्बन को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, तीन कार्बन को क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही ना तब से पढ़ा जा रहा था इस लेक्चर में। अब आप देख सकते हैं कि एल्क सब में एल्क लगा हुआ है, एल्क 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 सब में लगा हुआ है। तो देखिए यही एल्क है आपका कार्बन में, एल्क को एल्क की जगह पर क्या लिखा जाता है, मैथ। बस इसी एल्क की जगह पे अगर कार्बन दो हो तो उसे लिखा जाता है एथ, अगर इसी एल्क की जगह पे अगर कार्बन की संख्या तीन हो तो प्रोप लिखा जाता है, चार हो तो ब्यूट लिखा जाता है, पांच हो तो पेंट लिखा जाता है, छह हो तो हेग्ड लिखा जाता है, सात हो तो सेप्ट लिखा जाता है, आठ हो तो ओक लिखा जाता है, नौ हो तो नॉन लिखा जाता है, दस हो तो डेक लिखा जाता है, ग्यारह हो तो अनडेक, दो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, हेक्सा डेक, ट्रिपल डेक होता जाता है। हम आपसे अभी इसी लेक्चर में पढ़े हैं हम लोग की एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। अब देखिए ये तो हम लोग जान लिए एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन को क्या कहते हैं, बट अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार इसका नाम चेंज होता जाता है। आप देख रहे हैं इस फार्मूले में अगर हम कार्बन की संख्या एक रखें, एन बराबर एक रखें, तो क्या आएगा आपका CH4 बनेगा। तो CH4 में कितने कार्बन उपस्थित हैं, एक, एक कार्बन क्या कहते हैं हम लोग, मेथ। तो आप देख लिए मेथ लिख लिए। और फिर जो हम अगर सिंगल बॉन्ड है इसमें क्या है, एन, एल्केन में क्या है, एन, इसको जोड़ दी हम यहाँ एन, तो क्या हो गया आपका एक कार्बन एल्केन में, तो हो जाएगा आपका मेथेन। ऐसे ही देखिए अगर एन एन इक्वल टू टू रखें तो क्या होगा C2H6, तो अगर दो कार्बन रहता है तो क्या कहते हैं इसको, एथ, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा एथेन। वैसे ही हो जाएगा आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्जेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एन, डेकेन। अब आते हैं हम लोग डबल बॉन्ड, तो हम लोग जब एल्कीन पढ़ रहे थे जब इसका परिभाषा पढ़ाया आप लोग को, अच्छा एग्जाम्पल दिए, तो वहीं हम लोग बताया कि एक कार्बन का एल्कीन संभव नहीं है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम दो कार्बन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, अगर एक कार्बन रहेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो फिर एन बराबर एक के लिए एक कार्बन के लिए संभव नहीं है। यहाँ डॉट डॉट कर दीजिए। अब देखते हैं दो कार्बन के लिए, तो आप देख सकते हैं सी एन, अगर एन की जगह टू रखते हैं तो बनेगा C2H4। तो अगर हम बताएं कि दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें रहे हैं, इन में, क्योंकि डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग इन में, तो हम लगा देंगे यहाँ इन, तो क्या हो जाएगा एथीन। फिर अब तीन कार्बन के लिए, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड में तो प्रोपीन। फिर हम लोग चार कार्बन के लिए कहते हैं ब्यूट। फिर पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। फिर पांच कार्बन के लिए पेंट। फिर डबल बॉन्ड ब्यूट पेंटीन। फिर ऐसे ही हो जाएगा हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। और हम चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, तो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में जब हम एन बराबर एक लिए थे तो यह सेटिस्फाई नहीं किया था, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम दो कार्बन की आवश्यकता होती है, और एन बराबर एक रखते हैं तो एक कार्बन के बीच नहीं बनेगा, तो ये भी डॉट डॉट हो जाएगा। फिर लेते हैं एन इक्वल टू टू, तो देखते हैं C2H2, तो इस पे हम लोग अगर कहीं भी देखें तो एक कार्बन को क्या, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, एथाइन। ऐसे ही प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। आप देख सकते हैं अंतर कहाँ है, हर एक में सेम है, अगर सिंगल बॉन्ड आए तो ए, डबल बॉन्ड आए तो ई, ट्रिपल बॉन्ड आए तो वाई, बस आपको यही याद रखना है। लेकिन सबसे बेहद चीज को याद रखना है, बस इतना चीज याद रखिए आपको हर एक चीज याद हो जाएगा, कि अगर केमिस्ट्री में एक कार्बन आता है तो क्या कहते हैं उसको, मेथ, दो आए तो एथ, तीन आए तो प्रोप, चार आए तो ब्यूट पेंट, आए पांच आए तो पेंट, छह को हेक्स, सात को सेफ्ट, आठ को ऑक्स, दस नौ को नॉन और दस को डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेफ्ट, ऑक्स, नॉन, डेक, ये याद रखना है। बस 10 से आपका आईजीएसटी नाम के लेक्चर बेसिक लेवल पे सबका काम चल जाएगा। बस आप अगले लेक्चर तक इसको याद करके रखिएगा, जिससे आपको आईबीएससी में कोई भी दिक्कत ना हो। बस अब आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि आईबीएससी नाम के लेक्चर कैसे करें, पहला मॉडल वहीं से स्टार्ट होगा साकेत एल्केन, और हम साकेत एल्केन से फिर आईबीएससी नाम के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब आईबीएससी नाम के लेक्चर। उसको पढ़ने के लिए सबसे बेहद जरूरी कोई
सबसे बेहद जरूरी है कि हम पहले जान लें कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं। ये 10 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। बस ये याद हो गया तो फिर यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड रहे तो एन, डबल बॉन्ड रहे तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आइन। बस वही लगता जाएगा आपका एल को, एल है आपका, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर में आप लोग बताया जाएगा साकेत एल्केन मॉडल नंबर 1, जिसमें IPSC नाम के लेक्चर बताया जाएगा आपको। इस चार्ट को पढ़ के आप 2-3 बार पहले इसे प्रिपरेशन करें, तैयार करें, रिवीजन करें, क्योंकि यह नाम सबसे बेहद जरूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।